अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आई होप कि आप सब खैर से होंगे। तो फाइनली होंडा की तरफ से दो वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए गए थे और आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्लासिक मॉडल का। दूसरा जो वेरिएंट है आपको पता है कि वो स्पेशल एडिशन है, सेल्फ स्टार्ट पांच गियर वाला। तो आज हम ब्लैक कलर का जो है वो रिव्यू करने वाले हैं कि इस बाइक में क्या चेंजेस की गई हैं। ग्राफिक के बारे में हम बात करेंगे और इसके अलावा इस बाइक की क्या प्राइस है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जी इस बाइक के ग्राफिक की। तो ग्राफिक आप देख सकते हैं, ग्राफिक के जो कलर हैं वो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है नेवी ब्लू और स्काई ब्लू है, ग्रीन कलर है और इसके अलावा जो है ग्रे है, वाइट है, ये कम्बिनेशंस किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि रेड कलर में और ब्लैक कलर में इस जगह पर क्या डिफरेंस है, कौन सा कलर है रेड कलर में और ब्लैक कलर में। आप देख सकते हैं नेवी ब्लू है। इसके बाद अगर हम ग्राफिक की बात करें तो कट वगैरह काफ़ी ज़्यादा है और जो कम्बिनेशन हैं वो आपके सामने हैं, ग्रीन वगैरह। तो ये स्टिकर कुछ इस तरह का है, लोगो भी आपको वैसे ही मिल रहा है जैसे कि आपको ऑलरेडी मिल रहा था। अब हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट की। तो फ्रंट में अगर हम बात करें इस बाइक के इंडिकेटर लाइट्स की, तो इंडिकेटर लाइट्स वही हैं जैसे कि आपको ऑलरेडी मिल रहे थे, हेडलाइट भी वही है, मीटर में भी कोई चेंजिंग नहीं की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बाइक के फ्रंट टायर की, है कि इस बाइक का डायमंड का जो टायर है और इस टायर का जो साइज़ है 2.50/18 है और 4 प्लाई का जो है ये टायर है। स्पोक्स मिलती हैं आपको। क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे कि आपको ऑलरेडी क्वालिटी मिल रही थी इस बाइक की, वैसे ही इस बाइक की क्वालिटी है। इसके बाद अगर हम बात करें इस बाइक के ग्रिप के बारे में, तो ग्रिप वैसे ही हैं जैसे कि ऑलरेडी आपको मिल रहे थे। ग्रिप में भी कोई न्यू फीचर्स ऐड नहीं किए गए, ऑलरेडी जैसे मिल रहे थे वैसे ही हैं। एग्जॉस्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं है, इंजन में भी कोई चेंजिंग नहीं की गई। बैक साइड की बात करें और बैक टायर की बात करें, बैक टायर भी आप देख सकते हैं कि 3.0/17 का ये जो है टायर है, पीछे वाला जो टायर है 1 इंच छोटा है जबकि आगे वाला 18 इंचेस का है। इसके बाद ये जो है 6 प्लाई का जो है ये टायर है बैक। फ्रंट जो है 4 प्लाई का है और बैक जो है 6 प्लाई का। इस जगह पर आपको टूल बॉक्स मिलेगा इस बाइक का और दूसरी तरफ जो है इस बाइक की बैटरी जो है वो फिट होगी और आप शॉक्स भी देख सकते हैं, टेलीस्कोपिक की इस बाइक की शॉक्स हैं फ्रंट भी और बैक भी, जो कि ऑलरेडी आपको मिल रही थी। बैक साइड पे आ जाए तो बैक साइड की जो बैक लाइट है इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं की गई, आप देख सकते हैं बैक लाइट भी वैसे ही है जैसे कि ऑलरेडी आपको मिल रही थी। अब हम बात करेंगे इस बाइक की चेंजिंग की। तो इस बाइक में जो चेंजिंग की गई है वो फ़िलहाल ग्राफिक की गई है और आपको इस बाइक का जो ग्राफिक है वो कैसा लगा है आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम बात करेंगे इस बाइक की प्राइस की। तो इस बाइक की जो प्राइस है आपको पता है कि अगस्त में होंडा की जितनी भी बाइक्स थी उनकी प्राइजेस जो हैं वो चेंज हुई थी और इस बाइक की जो प्राइस है 1,79,900 है, जो कि आप देख सकते हैं 100 कम 1,80,000 की ये बाइक है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको इंशाल्लाह स्पेशल एडिशन 1:5 और इसके साथ की जो रेड कलर की बाइक है उसका रिव्यू मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को लाजमी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।